नमस्कार फ्रेंड्स, आई एम जानवी। वेलकम टू माय चैनल जानवी डिवाइन हीलिंग। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी रेमेडी लेकर आई हूं जिसे आप जानते हैं, लेकिन शायद आप अप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आप उसे जानते जरूर हैं। और मैं इस रेमेडी को 5 साल से यूज कर रही हूं और मुझे इसके मेडिकल रिजल्ट मिले हैं। जी फ्रेंड्स, ये रेमेडी कब काम करती है? जब आपको लगता है कि आपके यहाँ समस्याएं बढ़ती जा रही है, वन बाय वन समस्या आती जा रही है, परेशानी आती जा रही है। एक समस्या से आप निपटते हैं और दूसरी समस्या आके खड़ी हो जाती है, एक परेशानी से आप मुक्त होते हैं और दूसरी परेशानी आपके पास खड़ी हो जाती है, और आप धीरे 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 परेशानियों में घिरना शुरू कर देते हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि आप इस परेशानियों से निकला कैसे जाए। तो बहुत आसान है, अगर आप इसे यूज करते हैं तो आप इसका रिजल्ट जरूर देखिए। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी रेमेडी एक दिन में दो दिन में नहीं काम करती है, क्योंकि अगर आप बहुत इस नेगेटिव हैं या कुछ आपके बुरा बुरे कर्म हैं या बेड कर्माज हैं तो वो थोड़ा हटने में टाइम लगता है। तो इस चीज को आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि सभी रेमेडी यूज करते हैं लोग और कहते हैं कि काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो उसका मतलब यही रहता है कि कुछ बेड कर्मा किसी के ज्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं। किसी के कम होते हैं तो वो रेमेडी काम कर जाती है, किसी के ज्यादा होते हैं तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन होता जरूर है, उसके रिजल्ट आते जरूर है फ्रेंड्स, ये तो है। तो वही मैं आपको बताने वाली हूं। और बिलीव, अगर आप बिलीव के साथ करते हैं, विश्वास के साथ करते हैं, तो भी रेमेडी काम करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप परेशानियों में घिर चुके हैं, वन बाय वन परेशानी आती जा रही है, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे रिलेशन की हो, चाहे कुछ भी एल सेक्टर ऐसी हो, तो बहुत इजी तरीका है जो मैं 5 साल से यूज कर रही हूं, और वो है चींटियों को आटा खिलाना। कितना आसान है ना, चींटियों को आटा खिलाना। आप जानते भी हैं इसको, लेकिन आप यूज नहीं करते होंगे। आप इसे अप्लाई करिए और फिर देखिए इसका मिरेकल रिजल्ट बिलीव के साथ। देखिए, भंडारा सभी करवाते हैं, दान सभी देते हैं भंडारे में, लेकिन आपको पता है अगर आप ऐसे जीव को भंडारा करवाएं जो बेचारे बोल नहीं पाते कि उनको खाना चाहिए, और ऐसे जीव को आप भंडारा करवा रहे हैं, आप खाना खिला रहे हैं, तो सोचिए कि आपके सारे काम तो वन बाय वन बनने शुरू हो जाएंगे। तो वो है चींटियां, वो जीव हैं, बोल नहीं पाती हैं, लेकिन अगर आप उन चींटियों को खाना खिलाते हैं तो आप देखिएगा जैसे जैसे वो आटा खाती हैं और आपके काम बनना शुरू हो जाते हैं। और उन्हें क्या खिलाना है तो मैं आपको बता देती हूँ। आप गेहूं का आटा लीजिए और उसे आप घी में सेक लीजिए, आपको जितना बनाना है उतना बना लीजिए, लेकिन घी में सेकिए। घी में आटे को सेक कर अच्छे से, और फिर बाद में उसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए बाहर निकाल के, और उसमें शक्कर का भूरा मिला दीजिए, शक्कर का चूरा, शक्कर का भूरा, और नहीं तो शक्कर ही मिला दीजिए, और फिर उसको पूरे को मिक्स करके, और जहां चींटियां होती है, जैसे किसी भी पेड़ के नीचे आपको मिल जाएगी, वो बिल बना के रहती है। मैं तो अधिकतर पीपल के पेड़ों के नीचे ही जाती हूँ, क्योंकि पीपल का पेड़ तो यूं भी आपको पता है कितना महत्व रहता है पीपल के पेड़ का। तो आप किसी भी पेड़ के नीचे चले जाइए और वहां पे आपको चींटियों के बिल मिलेंगे, तो आप वहां जाके आटा डालते जाइए, और यही इंटेंशन देके डालते हुए इंटेंशन देके डालिए कि आप बस ये आटा आप मैं आपको भोजन कराने आई हूँ, भंडारा करने आई हूँ, तो आप इसे खाते जाइए और हमारी सारी समस्याओं से हमें मुक्ति दिलाइए। बस इस तरीके से इंटेंशन देके आपको चींटियों को आटा खिलाना है, और फिर देखिए। और ये कब करना है, सैटरडे को कर सकते हैं, क्योंकि मैं शनिवार शनिवार करती थी, तो आप सैटरडे टू सैटरडे करिए, अमावस्या के दिन जरूर करिए, अमावस्या के दिन, चौदस के दिन और सैटरडे, ये मैंने आपको 3 बता दिए। तो आप सैटरडे को कर सकते हैं, अगर आपकी ज्यादा समस्या है तो सैटरडे करना शुरू कर दीजिए, और नहीं तो महीने में अमावस्या जरूर आती, चौदस आती है, उस दिन भी करिए, तो आप धीरे धीरे देखेंगे एक एक परेशानी आपकी हटती जाएगी। टाइम लगेगा, लेकिन एक एक परेशानी से आप फ्री होते जाएंगे और आपके सारे काम बनना शुरू हो जाएंगे। कितना इजी तरीका मैंने आपको बताया, इजी रेमेडी बताई, और इसे तो मैं 5 साल से यूज कर रही हूं। तो आप भी अपनी लाइफ में अप्लाई करिए, आप इसे यूज करिए, चींटियों को भंडारा करवाइए मेरी लैंग्वेज में, क्योंकि चींटियां तो बेचारी बोल नहीं पाती हैं, तो आप चींटियों को भंडारा करवाइए, चींटी को आटा खिलाइए, फिर देखिए आपके कैसे काम बनते हैं। तो
फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो रेड कलर का सब्सक्राइब आता है ना, उसे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि सब वीडियो देख रहे हैं लेकिन प्रेस को सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है। तो आप सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे नए नए मेडिकल वीडियो आपके पास मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, थैंक यू।